हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एमएससी मैथमेटिक्स सी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सो इससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ग्रीन फंक्शन की टू द गिवन ओडी ओके आज हम करेंगे कुछ इस वीडियो लेक्चर में तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो पहले कुछ डेफिनेशन है सेल्फ एड ज्वाइन की वट डून वाई नोन होमोजेनियस ओडी नॉन के कोरस्पोडिंग हम वेरिएशन मेथड ऑफ पैरामीटर से वीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन है नॉन होमोजनियस ओडी डेफिनेशन है तुम्हारे पास नॉन होमोजीनियस ओडी। देखो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास ये तुम्हारे पास है एफ ओके okay? तो नॉन होमोजीनियस में हम जब होमोजीनियस डिफेंस इक्वेशन लिखते थे हम ऐसे लिखते थे कि p नोड एक्स p नोड एक्स इन टू यहां पर हम लिखते थे यू एन प्लस पी वन एक्स इंटू यू एन माइनस वन इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था लास्ट में जो हमारे पास था वो पी एन एक्स इंटू यू इज इक्वल टू जीरो तुम्हारे पास था अब देखो ये तुम्हारे पास थी ओ डी ये तुम्हारे पास होमोजीनियस ओडी है ठीक है होमोजीनियस ओ डी मतलब जो इसमें राइट right एंड में तुम्हारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे जीरो दिख रहा है अब हम क्या करेंगे द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द नॉन होमोजीनियस ओडी ठीक है नॉन होमोजीनियस ओडी में यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा एफ ओफेक्स ठीक है अगर ये एफ ओफ एक्स ये तुम्हारे पास एक्स का फंक्शन होगा अगर ये एफ ओफ एक्स का फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो ओडी को हम बोलेंगे नॉन होमोजनियस ठीक है नॉन होमोजनियस और अगर ये जो एफ ओ एक्स है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाए जीरो हो जाए उस ओडी को हम बोल देंगे होमोजीनियस ओ ठीक है ये तुम्हारे पास होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो हम क्या लेके चले एल्फा वन वाई ओफ ए और जो इसमें वाई ओफ ए है जिसमें हम यू ले रहे थे ना जो हम अब लेके चलेंगे वो वाई ऑफ एक्स है ये तुम्हारे पास क्या है अन फंक्शन ठीक है अन नॉन फंक्शन मतलब फंक्शन टू बी डिटरमाइन ठीक है जिसको हमने क्या करना है डिटरमाइन करना फंक्शन ऑफ एक्स टू बी डिटरमाइंड जिसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे बाय द सॉल्यूशन। ओके अब जो इसमें बाउंड्री कंडीशन है वो है अल्फा वन वाई ऑफ ए प्लस अल्फा टू वाई डैस ए वाई ए क्या रिप्रेजेंट करता है इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे है ना वाई एट एक्स इज इक्वल टू ए पी देखो जो पहली बाउंड्री कंडीशन लेके चल रही हैं उसमें हम जो लेके चल रहे हैं वो एक्स इज इक्वल टू ए लेके चल रहे हैं सेकेंड में हम एक्स इज इक्वल टू बी लेके चल रहे हैं और जो एल्फा वन एल्फा टू बीटा वन बीटा टू है ये तुम्हारे पास क्या है कॉन्सटेंट है हम ना इस तरह से लेके चलेंगे जैसे हम यहाँ पे ले लिया वाई ऑफ बी है ये कॉन्स्टेंट जीरो भी हो सकते हैं ठीक है ये जो कॉन्स्टेंट है ये ज़ीरो भी हो सकते हैं जैसे मैंने देख दिया y डेस ए इज इक्वल टू जीरो ये बोल दिया या फिर y डेस बी इज इक्वल टू जीरो ये बोल दिया तो ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब क्या है अब हमें एग्जाम्पल दू मैं कोई भी इस टाइप की ओर डी का तो मैंने मान लो ये बोल दिया डी स्क्र ठीक है डी स्क्र वाई अपोन डी एक्स स्केयर प्लस लेमडा इंटू यू इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये तो तुम्हारे पास क्या है जीरो ले लेंगे हम यहाँ पे मान लो क्या ले लेंगे कुछ और वैल्यू ले लेंगे हम यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया x ठीक है एंड जो बाउंड्री कंडीशन है तुम्हारे पास वो हमने ले ली विद बाउंड्री कंडीशंस ठीक है वो मान लो मैंने ये ले ली u ऑफ या ली है न, y लिया ना y ऑफ जीरो प्लस y डैस जीरो इज इक्वल टू वन ठीक है या फिर ज़ीरो ले लो यहाँ पे नेक्स्ट है y ऑफ वन प्लस y डैस वन है वो तुम्हारे पास जीरो ये तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन होगी तो ये तुम्हारे पास क्या होती है ये तुम्हारे पास होती है नॉन होमोजीनियस ऑर्डनरी डिफेंसल इक्वेशन ओके इसका हम आगे यूज करेंगे अब जो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ना इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं नॉन ओडी का ओके नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास आई थिंक सेल्फ एडजॉइंट की ठीक है हाँ जी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर मैंने बताया था हम इतने इतना हमने काम कर लिया ऑपरेटर तो मैंने बता ही दिया तुम्हें क्या होता है कि अब <coughs> अब क्या होगा अब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या देखो एक होती है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन ठीक है इसी तरह तो हमारे पास क्या होता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा द ऑपरेटर एल द ऑपरेटर एल इज सेट टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ फॉर एनी टू फंक्शन से यू एक्स एंड वी एक्स ऑपरेटेड ऑन एल ठीक है एल कोई भी ऑपरेटर हो सकता है तो अगर तुम्हारे पास हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें एल ऑफ यू एल को किस पे किस पे अप्लाई किया यू पे अप्लाई किया ठीक है फिर एल को किस पे अप्लाई किया वी पे अप्लाई किया अगर मैं इसको यू पे अप्लाई कर रहा हूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वी से और वी से वी पे अप्लाई कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर दो यू से अगर मैं इनका डिफरेंस करूँ तो इनका डिफरेंस एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका हम एग्जैक्ट क्या बन कर सके डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ जाए तो इस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर को हम क्या बोल देते हैं इस ऑपरेटर को हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बोल देते हैं ठीक है ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की देखो एक बार रीड करो द ऑपरेटर एल इज सेट टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ फॉर एनी टू फंक्शंस से यू एक्स एंड वी एक्स ऑपरेटेड ऑन एल द एक्सप्रेशन एल ऑफ यू ठीक है ये ऐसे लिख रखा है चाहे इसको ऐसे लिख लो आप मतलब ये एल अप्लाई किया है यहाँ पे यू पे यहाँ पे एल अप्लाई कर रखा है बी पे डी एक्स इज एन एग्जैक्ट डिफरें और उस फंक्शन को हमने क्या मान लिया जी मान लिया जी का क्या रखा? तो ये इसके आ तो उस को हम सेल्फ एडजरेटर बोलते हैं so ये ना एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे ठीक है तो आप इसको इस यूनिट में टिक कर लो टू मार्क्स ठीक है अब आ जाओ वर्ड मीन बाई ग्रीन फंक्शन मैथड ठीक है ग्रीन फंक्शन मैथड ग्रीन फंक्शन मैथड इज एन इम्पोर्टेंट मैथड टू सोल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और जो स्पेशली जो बाउंड्री बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे वो करेंगे स्टीम लेवल्यो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो बेसिकली हम ज्यादा सोल्व करने वाले हैं स्टीम लेवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद नॉन होमोजीनियस ओडी और पार्शल डिफेंस लिक्वेशन ठीक है और जो हम करने वाले हैं वो हम बेसिकली करेंगे नॉन होमोजीनियस ओडी के कोर्स पड़ेंगे और पीडी के कोर्स पड़ेगा

कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तुम्हारे पास क्या ग्रीन फंक्शन मेथड और यहाँ पे लिखी भी हुई है सिंपल जो एस एल लेवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पे लिखी भी हुई है ठीक है अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको सोल्व करने जा रहे हैं सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास ऑपरेटर है किसका एस एल बीवीपी का सेल्फ एडजॉइंट होता है सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे ठीक है इसके लिए हम इसके दो सोल्यूशन मान के चलेंगे जो गिवन ओडी है ना वो देखो यहाँ पे अगर तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हारे पास दो ऑर्डर की आ, क्या बनेगी ऑर्डिनरी ओडनी इक्वेशन बनेगी और दो ऑर्डिनरी ओडनी इक्वेशन के मैक्सिमम जो एलिनरली इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो टू ही हो सकते हैं उन टू सोल्यूशन को मान के हम उनको ये दिखाएंगे फॉर दिस ओडी की वो दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या होंगे

कि वो self है। अगर सिर्फ ऑपरेटर की बात जाए से रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्यू प्लस लेमडा पी ओके ये तुम्हारे पास है ऑपरेटर लेकिन अगर इस ऑपरेटर को तुम

इज इक्वल टू जीरोल ऑफ यू वन माइनस यू वन इंटू एल ऑफ यू टू इज इक्वल टू जीरो में वेयर यू वन एंड यू टू आर टू इंडिपेंडेंट एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एस एल बी वी पी ठीक है स्टीम लेवल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसके तुम्हारे पास क्या दो सोल्यूशन है और विद बाउंड्री कंडीशन ये तुम्हारे पास क्या है बाउंड्री कंडीशन ठीक है ये तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन है इन बाउंड्री कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग और ये तुम्हारे पास अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू ये सारे के सारे क्या है कॉन्स्टेंट है ये जीरो भी हो सकते हैं नॉन जीरो भी हो सकते हैं लेकिन सेवन से सारे जीरो नहीं होंगे क्योंकि हमें ये दो, दो क्या चाहिए सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे सारे सारे जीरो हो जाए तो इस तरह से तुम्हारे पास ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा को माना हुआ है ठीक है तो ये थी स्टेटमेंट ठीक है स्टेटमेंट अब देखो मैंने यहां ले रखा था ना तो इसने मान लिया कि लेट यू एंड वी आर टू सोल्यूशन ऑफ एस एल वीवीपी अगर ये दो सोल्यूशन है दो सोल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे सेटिस्फाई करेंगे तो सबसे पहले मैंने जहां जहां वाई है वहां पे मैंने यू पुट कर दिया तो ये आ जाएगी मान लो ये तुम्हारे पास इक्वेशन वन आ गई फिर जहां जहां वाई है वहां पे हमने दूसरा सोल्यूशन लिख दिया जिसको हमने क्या माना है वी देखो यू वी लिखा है इसको आप यू एक्स और वी एक्स भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी है ठीक है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये हमने एल को ऑपरेट कर दिया यू पे और यहां पे हमने एल को ऑपरेट कर दिया वी पे एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम बिकॉज दीज आर द ऑफ गिवन बिकमी ठीक है तो ये ये इक्वेशन इक्वेशन है है और ये है. अब हमने ये या या तो ये कैलकुलेट कर लो या फिर ये कैलकुलेट कैलकुलेट कर लो तुम्हारी तो मर्जी है इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर लो ठीक है हाँ जी नेक्स्ट हमने क्या किया हमने कैलकुलेट कर लिया v इंटू एल ऑफ यू माइनस यू इंटू एल ऑफ बी ठीक है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो बच्चों एल ऑफ यू की वैल्यू आई हुई है तो हम ये ले यह ले ये लेते हैं राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड यू इंटू एल वी इज इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स ठीक है यहां पे देखो वी एज इट इज ये वी एज इट इज है यहाँ पे और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी एल ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दी ठीक है ओके okay, नेक्स्ट हमने क्या किया माइनस ठीक है यू एज इट इज ठीक है ये यू एज इट इज हमने कर दिया और ये किसकी वैल्यू पुट कर दी एल ऑफ वी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से ये रही एल ऑफ वी की वैल्यू ओके और यू एज इट इज है यहाँ पे इज क्लियर और यू की मल्टीप्लाई भी कर दी साथ में इस तरह यहाँ पे वी की मल्टीप्लाई कर दी पहले इस फैक्टर के साथ और फिर इस फैक्टर के साथ ये किया इसने अब देखो यहां से अब ये फैक्टर है ये जिसकी सेकेंड टर्म है ठीक है और ये इसकी फोर्थ टर्म है ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी कैंसल आउट ठीक है ये कट गई यहाँ से ठीक है क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगी तो फिर फिर फर्स्ट टर्म बचेगी यहाँ पे और एक ये टर्म बचेगी अब देखो इसमें क्या क्या किया उसने इसमें क्या किया इस टर्म को ऐड कर दिया और इस टर्म को क्या कर दिया सब कर दिया इसमें उसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पे करना चाहूं तो उसने क्या किया प्लस आर ऑफ एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इस टर्म को ऐड कर दिया फिर इसी टर्म को सब कर दिया माइनस आर ऑफ एक्स इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स फिर क्या किया उसने उसने इसको तो इसमें इस ब्रैकेट में कन्वर्ज कर दिया और इसको इसमें मर्ज कर दिया तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ओके okay? अब यहाँ से देखो बच्चो इट्स जस्ट मैन्युपुलेशन और कुछ भी नहीं कर रखा है इसने अब यहाँ पे ये है तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ से और यहाँ से तुम देख सकते हो दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स इंटू वी एक्स इंटू डी ऑफ यू एक्स ट्रेटिंग आर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स इसको तो तुम मान लो फर्स्ट फंक्शन और जो दूसरा है तुम्हारे पास डी यू बाई डी कौन सा बीज वी एक्स इसको तुम मान लो सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान लो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आ जाएगा मतलब दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस सिमिलरली दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस और डेरिवेटिव पहले इस पे अप्लाई किया फिर इस पर अप्लाई किया डेरिवेटिव को क्या कॉमन ले लिया फिर दिस ट्रम माइनस दिस ट्रम एंड इज दिस ठीक है पे हमने कर दिया तो ये तुम्हारे तो पास फंक्शन है ये तुम्हारे तो पास इसके इक्वल आ जाएगा है ना आर ऑफ एक्स को तुमने कॉमन ले लिया से और इसको तुमने क्या नाम दे दिया जी नाम दे दिया देखो लिख दो यहाँ पे यह लिख रखा वेयर जी इज इक्वल टू दिस मतलब एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसका हम टोटली तो, क्या कर सकते हैं डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया उसका डेरिवेटिव किया गया डी जी बायस डी एक्स को इस तरफ ले आओ यानी लेफ्ट थेंड, लेफ्ट थेंड में हमारे पास क्या था वी इन एल ऑफ यू माइनस यू इंटू एल ऑफ वी इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया डीजी बाई डी एक्स एक्स डी एक्स को इस तरफ ले आओ तो यहां से ये यह होगा तुम्हारे पास वी इंटू एल ऑफ यू माइनस यू एल ऑफ वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जी मतलब फॉर दिस फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास ये किसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव बन रहा है

हाँ जी नेक्स्ट है तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन बाई मैथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामिशन पैरामीटर मैथड अब ये कुछ लेंथी हो जाएगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे तब तक आप यहाँ पे इसको कर सकते हो इस थ्योरम को और कुछ डेफिनेशन है इनका इन डेफिनेशन का यूज हम नेक्स्ट थ्योरम्स हैं उनमें करने वाले हैं ठीक है तो ये आप जरूर करें ओके तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करते हैं ये और आप इस पर इस पर लिख लो एग्जाम ठीक है ये एग्जाम में आ सकता आर्टिकल इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन बाय मेथड ऑफ ऑफ बाय वेरिएशन पैरामीटर पैरामीटर मेथड ठीक है जो ये टॉपिक है ये हम ऑर्डिनरी डिफेंसल इक्वेशन जब हम लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट सेमेस्टर में जब ऑर्डिनरी डिफेंसल इक्वेशन किया था वहां से या ग्रेजुएशन में भी हमने ऑर्डिनरी डिफेंसल इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सोल्व किया था अब हम इस आर्टिकल में इसका प्रूफ करने वाले हैं अब इसमें प्रूफ करेंगे ग्रीन फंक्शन ठीक है मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रीन फंक्शन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से क्या होता था वो वो क्या होता था कि उसमें हम दो सॉल्यूशन मान के चलते थे दो सॉल्यूशन सोल्यूशन जो गिवन ओडी थी ये ओडी दे देखे ना ये ओडी पे ठीक है इसको सेटिस्फाई करेंगे दो सॉल्यूशन और वहां से हम उन सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है तो इसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओके तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है ठीक है Uh, कुछ बच्चे लेक्चर पूछ रहे थे कितने कितने लेक्चर में ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हमारे दो लेक्चर और होंगे ठीक है दो लेक्चर के कोर्स दो लेक्चर में जो ये यूनिट है हमारे पास ये क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी ओके तो किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में